वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। प्यारी साध संगत जी, तुसी वेख रहे हो कथा गुरबाणी विचार। सब तो पहला तुसी चैनल नू सबसक्राइब कर लवो अते नाल ही बैल आइकन दबा लवो ताकि हर एक वीडियो की अपडेट तुहाडे तक पहुंच सके। ते नाल ही जेकर तुहानू यह वीडियो चंगी लगी तो इस नू लाइक ते शेयर जरूर करो। प्यारी साध संगत जी, जदों आपां नाम जपते हाँ जां सिमरन करते हाँ जां पाठ करते हाँ तो आपां नू उबासियां आउण लग पैंदियां ने। कईयां दे नजरिए विच इह चंगा है ते कईयां दे विच माड़ा कि पाठ पूजा करते समय उबासियां दा आउणा। जदों आपां पाठ करते हाँ तो उसके चार कारण ने जिहदे करके आपां नू उबासियां आउंदियां ने। सब तो पहला कारण है नैगटिविटी, जो उस समय साढ़े आले दुआले आने की पूरी कोशिश करती है। उसका इतने आने का भाव है कि असी नाम ना जपीए, क्योंकि जिथे असी नाम जपते हाँ उत्थे उसनू थान नहीं मिलती। इस करके सानू आलस आता है। जो नाम जपते हाँ उस समय जो साढ़े अंदर विकार होंगे ने वो खत्म होने शुरू हो जाते हैं। जदों अंदर वाहिगुरु ने अपनी थां बना ली फिर इन्हां चीज़ां की अंदर थां नहीं रहिंदी। ते तीजी गल प्यारी साध संगत जी कि जदों आपां नाम जपदे जपदे एकदम समा वधा लैंदे आ नाम जपण दा तां साडा शरीर नाम की ताकत नूं ओढ़ नहीं पाउंदा ते शरीर थक्किया रहिंदा। इसलिए जदों भी नाम जपो हौली हौली नाम जपण दा समा वधाओ। एकदम वधाओगे तो लम्मा समा नाम नहीं जप पाओगे। मानसिक तौर पर असी तैयार नहीं हो पाते इन्नी छेती। तो जदों असी बहुते कम्मा करके बाणी नू समा नहीं दे पाते तो थोड़े समय में ही सब कुछ करने की कोशिश करते हैं तो उदों शरीर भी थकिया हुंदा ते ना ही मन एकाग्र हुंदा। तो इस एकाग्रता नू लियाउण विच पहला सानू अपनी मानसिक ते शरीरक थकान नू दूर करना पएगा। फिर ही साडा मन बाणी विच जुड़ेगा ते जदों असी पाठ करदे आं ते उबासियां आउण दा मतलब यह है कि परमात्मा साडे विकार ते मैल दूर करदे ने ते सानू अपने हिरदे विच निवास दिंदे ने ते साडे हिरदे विच अपना नाम भर दिंदे ने। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।